तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल MSME सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं, अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस 2 की। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने ट्रांस 1 के बारे में समझा था कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो किस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ है। तो जिन्होंने ट्रांस 1 देख लिया है अच्छा है, जिन्होंने ट्रांस नहीं देखा है वो प्लीज़ ऊपर आइकन पे क्लिक करके ट्रांस 1 देख लें। तो पहला जो ट्रांस था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs, मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया था। अगर हम उस चीज़ को एक बार थोड़ा डीपली देखें, वो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे कहा था कि 11 करोड़ लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, MSMEs के सेक्टर के अंदर, तो आप इवेंचुअली इस बात को समझो कि जो बहुत पुअर और जो माइग्रेंट्स हैं उनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको उस इंडस्ट्रीज में काम मिला था, ठीक है। इससे पहले आपने एक वीडियो क्लिप भी देखी कि किस तरीके से जो एक वुमेन है अपने बच्चे को लेकर के जा रही है। तो आज का जो ट्रांस है, मतलब जो ट्रांस 2 गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, वो ट्रांस 2 ऐसे ही माइग्रेंट्स और जो पुअर फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के उनके बारे में ही है। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक के इस ट्रांस में क्या किया गया है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी सिस्टम। देखिए आप ऐसे समझो, अभी कुछ टाइम पहले GST अनाउंस हुआ था। GST के लिए एक बहुत अच्छा टैगलाइन यूज किया गया था, वन नेशन वन टैक्स, जिससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, ये हर जगह अलग अलग होता था, बट इन सबको बाद में मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स बना दिया। सिमिलरली गवर्नमेंट उसी एक नए आइडिया को लेके आई है, और वो आइडिया ये है कि अब हमारी कंट्री में एक नेशन एक रेशन कार्ड होगा। जैसे हर स्टेट में जाते हैं भाई, हर स्टेट का एक अलग रेशन कार्ड है, तो अगर आप UP से हैं, दिल्ली में आपको राशन नहीं मिल रहा क्योंकि उस रेशन कार्ड को यहाँ पे वैलिड नहीं माना जा रहा। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि माइग्रेंट्स को इस टाइम पे खाने की सबसे बड़ी दिक्कत हुई, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत, और उनका ये भी कह रहा था कि कितने दिन तक कोई उसको अपने घर से खाना खिलाएगा, इज़न्ट इट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, जिससे कि पूरे नेशन में अब सिर्फ एक रेशन कार्ड होगा। उस रेशन कार्ड के बेसिस पे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और एरिया ऑफ योर बर्थ, ठीक है, आपके होम टाउन से मतलब नहीं है, वो UP का है, वो उड़ीसा का है, वो केरला का है, ठीक है, कहीं से भी आप होंगे, आप एक रेशन कार्ड के बेसिस पे एंटायर आप अपने नेशन के अंदर कहीं भी फेयर प्राइस, जो गवर्नमेंट की रेशन शॉप्स होती हैं PDS सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो रन करती है, आप वहाँ से रेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाय मार्च 2021 पूरे नेशन में अप्लाई हो जाए। सो लेट्स हैव अ लुक, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स बीन पुट इनटू प्लेस टू एनेबल यूसेज ऑफ रेशन कार्ड्स फॉर प्रोक्योरिंग फूड एट एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया, दैट इज वन नेशन वन रेशन कार्ड, ठीक है, एक ही नेशन और एक ही रेशन कार्ड जो पूरे वर्ल्ड में होगा, हर जगह जाके नए रेशन कार्ड आपको अप्लाई नहीं करना है। जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है उससे इसके अकॉर्डिंग 67 करोड़ लोगों को क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब इसके बाद क्या हुआ है, अब जिसे जो माइग्रेंट्स अब अटक गए, रह गए बेचारे, वो घर नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो गवर्नमेंट ने अब यही कहा है कि उनकी इनकम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई हुआ है इससे, तो वो जो पुअर मार्जिनल फार्मर्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं फ्रेंड्स, सिर्फ वही हुए हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी और मेरी बात करता हूँ, तो आप और मैं तो घर बैठे हुए, मैं अपने काम अपने सोर्सेज के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप अपने सोर्सेज के थ्रू उनको एक्सेस करके नॉलेज गेन कर पा रहे हो, नहीं तो इंस्टा फेसबुक एंड देयर लॉट टू डू, आप अपने घर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, परचेजिंग पावर अच्छी है, तो हमने लॉकडाउन की न्यूज़ सुन के ही सारा रेशन अपने घर में स्टोर कर लिया। लेकिन व्हाट अबाउट देम, वो तो वो लोग थे ना जो लोग रोज़ अर्निंग करते थे, तो उनकी रोज़ की अर्निंग थी उसके बेसिस पे वो बेचारे शाम को अपना जो भी अर्न करते थे उसके बेसिस पे लेके आते थे। तो वो जो रोज़ की अर्निंग चली गई, जब बिजनेस ही चले गए, जब वही ख़त्म हो गया, तो सोचो उनके पास खाना कहाँ से आएगा।
और वो कैसे अपने रेशन का अरेंजमेंट करेंगे। सो हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए एक बहुत अच्छा पैकेज निकाला है और वो ये है कि अगले 2 महीने तक, अभी तक तो दिया जा ही रहा था, अगले 2 महीने तक 8 करोड़ माइग्रेंट जो है उनको 2 महीने तक राशन दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो चावल और क्या होगा वीट गेहूँ पर पर्सन इंक्लूड होगा और पर फैमिली में 1 किलो चना, ठीक है, जिसे आप ब्लैक पीस बोलते हैं, ये हर किसी को दिया जाएगा। ठीक है, बात ये है माइग्रेंट्स और नीदर NFSA और स्टेट कार्ड बेनिफिशियरीज। अब NFSA क्या, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को 2015 में पास किया गया था, जिसका काम ये था कि जितने भी लोग इसके अंदर एनरोल्ड होंगे उन सबको गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड सिक्योरिटी, वो रेशन सिस्टम वाला हिसाब है, फूड सिक्योरिटी देगी। लेकिन अब ये कहा गया है चाहे आप अपने स्टेट में, चाहे आप NFSA में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी रेशन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इस चीज़ को प्लीज लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करें, जो आसपास आपके लोग आप देखें, जो लोग खाना मांग रहे हैं, रेशन मांग रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म करें कि वो किसी भी गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप पे जाके अब रेशन ले सकते हैं बिना किसी कार्ड सिस्टम के। गवर्नमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स उन्हें रेशन देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत जरूरी भी, हर किसी को मिलेगा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली इस पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, ₹35 करोड़ जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, अच्छा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया में चली आ रही है, वो होती है वेजेस का डिस्पैरिटीज। ऐसा होता है कि एक ही काम करने के हमारे नेशन में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग वेजेस है। जैसे मैं UK, कैनेडा, इन सब की बात करता हूँ, फॉरेन कंट्रीज की, तो यहाँ एक मिनिमम वेज सिस्टम है जी, एक अनस्किल्ड लेबर है, एक स्किल्ड लेबर है। अगर आप स्किल्ड लेबर हो तो आपका मिनिमम वेज रेट इतना है, इतना ही मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन और जॉब यू आर परफॉर्मिंग। सिमिलरली इफ आप अनस्किल्ड हो तो वो अनस्किल्ड आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी साफ कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो देयर इज सम मिनिमम वेज, तो वही आपको मिलेगा, कोई आपको उससे कम नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो यू कैन कंप्लेन, देता है तो यू कैन कंप्लेन। ये चीज इंडिया में नहीं थी, आधे से ज्यादा टाइम तो हम जान पहचान में काम कर रहे थे कि भाई मेरी जान पहचान का कोई है, मैंने उसे वहां लगवा दिया, तो भाई क्योंकि मेरी जान पहचान है तो हो सकता है कभी कभार सैलरी अच्छी भी मिल जाए और हो सकता है कभी कभार सैलरी ठीक भी ना मिले, लेकिन वो बेचारा शर्म से नहीं बोलता कि चलो सर ने लगवाया है तो चलो काम कर ही लेता हूँ। तो इंडिया में ये डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम हमेशा से सुनते आए हैं दैट रिचर्स आर गेटिंग रिचर, पुअर्स आर गेटिंग पुअर डे बाय डे। सो ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी से ये डिस्पैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाँ बट कुछ हद तक ये रिड्यूस हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि हम क्या करेंगे, अब हम नेशनल फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि पूरे नेशन में एक वेज रेट सेट किया जाएगा कि आप अगर इस कैटेगरी के लेबर है तो मिनिमम आपका इतना वेज होगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में पहले बात करेंगी, उसके बात करने के बाद स्ट्रिंजेंट लॉस के थ्रू इसको अप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हो इंडिया में लॉस तो बहुत बनते हैं, प्रॉब्लम आती है कि वो अप्लीकेबल कितने हो रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको एनफोर्स करने के लिए स्ट्रिंजेंट लॉस की हेल्प ली जाएगी ताकि ये अप्लाई किए जा सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है इसके अंदर कि हर तरह के काम के वुमेन्स के लिए ओपन किया जाएगा और साथ ही साथ में नाइट को भी काम करना अलाउ किया जाएगा विद प्रॉपर सेफ गार्ड प्रोवाइडेड बाय योर गवर्नमेंट, ठीक है। और जो लोग मनरेगा के अंदर थे, आप जानते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके अंदर थे, उसमें पहले जो एक एवरेज वेज था पर डे का वो कितना था 182, अब उसको 182 से बढ़ा करके 202 कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझनी कि अब हमारा इंडिया भी जो वेज डिस्पैरिटी है उससे कुछ हद तक कॉम्बैट कर पाएगा अगर ये एक्ट उतने ही अच्छे से अप्लाई होता है जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट है ₹70,000 इन हाउसिंग फॉर MIG थ्रू CLSS। देखो आपको पता होगा कि जितने भी मीडियम इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम चला रखी थी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको DDA फ्लैट दिए जाते थे, गवर्नमेंट फर्दर उसको एक्सटेंड कर रही है मार्च तक, और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर ₹70,000 करोड़ रुपए दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किए जाएंगे ताकि वैसे इनकम ग्रुप के लोगों को, अभी जितनों के पास घर आ चुके हैं ठीक है, जिनके पास नहीं आए हैं वो लोग भी अपने लिए घर ले सकें।
तो गवर्नमेंट इस सिस्टम को अभी मार्च 2021 तक और कंटिन्यू करने वाली है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का टोटल खर्चा 70,000 करोड़ का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ हमारे पास क्या है, देखो अब पहले जो माइग्रेंट्स हैं उनके खाने की बात है कि भाई उनको खाना नहीं मिलता, तो खाने के लिए गवर्नमेंट ने फेयर प्राइसेस शॉप को एस्टैब्लिश किया, रेशन कार्ड के सिस्टम को लाया। अब सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करने वाली है, जिसमें बहुत सस्ते रेट पे उनको घर रेंट पे अवेल करवाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने पास से भी फंड्स के अरेंजमेंट करेंगे, प्लस साथ ही साथ में प्राइवेट जितने भी बिल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी अपील की गई है कि आप अपनी फैक्ट्री अपने लैंड में ही उनके रहने का अरेंजमेंट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफकोर्स आपको इंसेंटिवाइज करेगी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इसका सारा खर्चा पूरा का पूरा आपको बेयर नहीं करना होगा। तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब से जितना भी होगा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को स्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ में ये जो प्लान है गवर्नमेंट का वो किसके थ्रू प्रूव किया जाएगा, पीपीपी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, ताकि एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जा सके और इन माइग्रेंट्स को एक प्रॉपर इनके लिए स्टे का अरेंजमेंट किया जा सके, ताकि अगर वैसे तो कभी ना ही हो, लेकिन अगर इनकेस कुछ भी आगे फ्यूचर में होता है तो दोबारा ऐसी नौबत ना आए कभी भी किसी भी कंट्री के साथ। तो स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशनल रुपी 30,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर क्रॉप लोन्स थ्रू नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता होगा, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर देखो ऐसा है, हमें पता है सेंट्रल बैंक के बारे में, तो अब सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है वो तो सारे काम तो खुद नहीं कर सकता, तो उसने अपने कुछ सब्सिडी बैंक बना रखे हैं। ठीक है, जिन सब्सिडी बैंक का काम होता है अलग अलग सेक्टर पे फोकस करना। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये जो बैंक सेंट्रल बैंक ने बनाए हैं, ठीक है, ये अपने फील्ड के अंदर ही एक सेंट्रल बैंक का काम कर रहे होते हैं। तो नाबार्ड भी एक ऐसा ही सब्सिडरी बैंक है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, जिसका काम हमारी कंट्री के अंदर रूरल क्रेडिट से लेके हर काम का है, मतलब गांव वगैरह में जितने भी रूरल सेमी रूरल एरियाज हैं उनमें जितना भी लोन जाता है, ठीक है, जितना भी उनके अंदर लोन जा रहा है, चाहे वो लोन प्रोडक्टिव पर्पस जैसे कि लैंड परचेज करने के लिए, सीड्स के लिए है, चाहे वो लोन आपका अनप्रोडक्टिव पर्पस मैरिजेस के लिए, किसी की डेथ सेरेमनी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है, हर तरह के लोन को कंट्रोल करना और सारी बैंकिंग पॉलिसीज को आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंगली उन रीजनल रूरल बैंक से और कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू और कमर्शियल बैंक के थ्रू चलाने के लिए नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया। तो नाबार्ड हमारी कंट्री के अंदर सारा रूरल क्रेडिट को देखता है। तो नाबार्ड को एडिशनल 30,000 करोड़ दिया गया है। नाउ व्हाई इट इज एडिशनल, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही रुपी 90,000 करोड़ दे चुकी थी, अब ऊपर से और रुपी 30,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है इन्हीं के लिए, ताकि इनके पास, फार्मर्स के पास टाइमली पैसा पहुंचे और वो अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन और सब चीजों को देख पाए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑफ 2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक मुद्रा स्कीम निकाली थी, दैट वाज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका काम क्या था, अप टू 10 लाख जो भी आपको लोन चाहिए, अप टू 10 लाख तक का जो भी लोन था वो आप मुद्रा के थ्रू ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर अपनी पेमेंट कर देंगे तो 2% से भी आपको कम देना पड़ेगा, मतलब 2% आपको कम देना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% का, अगर आप 12 महीने के पीरियड के अंदर पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ 5% में पेमेंट देनी पड़ेगी और बाकी सारा काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये मुद्रा स्कीम के अंदर किया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास अगर लिक्विडिटी है तो वो गवर्नमेंट से 2% का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, शिशु लोन्स के ऊपर। शिशु लोन क्या है, जैसे जो मुद्रा है, मुद्रा ने लोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रोथ। तो शिशु जो सबसे बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, जो मतलब बिल्कुल आप में बिल्कुल बेसिक स्टेज पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम निकाली गई है। हाँ जी, अब आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो इससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बहुत नुकसान हुआ,
क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पटरी पे काम करने वाले लोग और डेली मार्केट लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं, हर एरिया में होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी स्कीम निकाली है, 10,000 रुपये हर एक स्ट्रीट वेंडर को दिए जाएंगे, ठीक है, किसके लिए, काम करने के लिए, जो कि कवर करेगा इंडिया में 50 लाख टोटल स्ट्रीट वेंडर्स को ये पर्टिकुलर चीज़ कवर करने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 रुपये ईच वेंडर को दिए जाएंगे एज अ लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के तौर पे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग कैपिटल फ्रेंड्स, देयर आर टू कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि बिजनेस में उसकी लैंड, उसके मशीनरी, इस पर इन्वेस्ट की जाती है, जो कि बिजनेस को लंबे टाइम तक सर्व करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपको रोज के लिए चाहिए काम करने के लिए। सपोजिटली मुझे इन वीडियोस को बनाने के लिए एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक राउटर और एक कैमरा, ये सब कुछ चाहिए, ये मेरी फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। लेकिन सपोजिटली मैं किसी एक पर्सन को बुलाता हूँ, ठीक है, और कोई अलग अलग क्रू मेंबर्स वगैरह आते हैं जो थोड़ा बहुत ऑपरेशंस में काम करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल, इनको जब बुलाऊंगा तो पेमेंट करूंगा, जब नहीं बुलाऊंगा तो पेमेंट नहीं करूंगा, और हर बार ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर बार चेंज होता है। तो वेंडर्स के लिए जो माल आया है ना, तो जो भी वो माल खरीद ले वो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि वो माल खरीदेंगे बेचेंगे पैसा आ जाएगा। लेकिन सपोज इफ्टी मान लो आप जाते हो कि एक उसका रेडी है, वो रेडी क्या उसकी, वो उसकी फिक्स कैपिटल है, क्योंकि वो उसको बेचेगा नहीं, वो उसके एक असेट के तौर पर काम करेगा, है ना। लेकिन जो रेडी पे सामान वो बेच रहा है उसके लिए उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाय पानी का खर्चा उसे वर्किंग कैपिटल में होता है। तो उनको वर्किंग कैपिटल दी जाएगी 10,000 रुपये की, ताकि वो वापस से अपना काम शुरू कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि गवर्नमेंट कैंपा फंडिंग। कैंपा क्या है? कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके थ्रू 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी, जिससे कि रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट की जा सके, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू करने क्या वाली है, 6,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करेगी हमारी इकोनॉमी में, जिससे कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जा सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट वापस जनरेट की जा सके, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, कितने अमाउंट तक के, 2,00,000 करोड़ के, जो कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करने वाले हैं। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े फार्मर्स नहीं है, इसमें फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग, मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसे आप हम लोग, जिसे हम लोग जानते हैं मेजरली प्राइमरी सेक्टर के नाम से, क्योंकि आप जानते हो एमएसएमईज के अंदर प्राइमरी सेक्टर नहीं आता, वो मैंने एमएसएमई वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा है तो ठीक, नहीं तो ऊपर आई आइकन को प्रेस करके एमएसएमई की जो एक डेफिनेशन है और एमएसएमईज में क्या क्या आता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एमएसएमईज जो है वो प्राइमरी सेक्टर को कवर नहीं करता, ताकि वो भी ना छूटे गवर्नमेंट से, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंसेशनल क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली है, जो कि 2,00,000 रुपये तक की लिमिट का है और 2.5 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा। फिशरमैन, क्योंकि देखो हम जानते हैं जो लैंड कोस्टल एरिया के पास है, तो कोस्टल एरिया के पास फार्मिंग एक बहुत अच्छा वेंचर नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे लोग फिशिंग को एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लेके चलते हैं, तो उनका भी तो बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो उनके बिजनेस को लिक्विडिटी देने के लिए, प्लस एनिमल हस्बेंड्री, आप जानते हैं कि जब से ये चीज़ हुई है कोरोना की वजह से, तब से लोगों का चिकन, नॉनवेज ये सब ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो इन लोगों का भी बिजनेस कितना कितना अफेक्ट हुआ है, कितने कितने लाख चिकन को, आपने सुनी होगी न्यूज़, तमिलनाडु के अंदर बिल्कुल बरी कर दिया गया था। सो दैट इज़ द रीज़न कि इन लोगों को भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है और ये सारे बेनिफिट्स को अवेल करवाया है, राइट। एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे बजट सैंक्शन हुआ है। फ्री फूड रेल सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स। हमने यही कहा था कि 5 किलो उनको चावल और 5 किलो उनको व्हीट मिलेगा, 1 किलो चना हर फैमिली को, उसके ऊपर 3500 करोड़, 3500 करोड़ का खर्चा है, ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडाइजेशन जो 2% का होगा, उसके अकॉर्डिंगली 1500 करोड़ का खर्चा वहाँ पे है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स, 10,000 रुपये दिया गया 50 लाख को, तो 5,000 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट का यहाँ पे होता है, ठीक है। हाउसिंग क्लास MIG, जो हाउसिंग क्लास पे खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, दैट इज 70,000 करोड़ का खर्चा ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल थ्रू नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड को जो दिया गया पैसा, एडिशनल कैपिटल दी गई क्रॉप्स को लेने के लिए, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन के 30,000 करोड़, एंड एडिशनल क्रेडिट कार्ड, उसमें कितना खर्चा है गवर्नमेंट का, 2 लाख।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक का जो टोटल होता है, सेकेंड हमारे पास जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस स्टिमुलस पैकेज का जो टोटल खर्चा है वो कितना है, 3,10,000, राइट। तो दो आपको मैंने ट्रांस बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट ट्रांस को लेकर के, नेक्स्ट ट्रांस में गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्या क्या चीज़ें आई हैं। एंड लास्ट में तो हम जानेंगे ये इस बात को कि गवर्नमेंट जो ये 2 लाख जो गवर्नमेंट ये 20 लाख करोड़ की फंडिंग कर रही है, ये फंडिंग कैसे की जाएगी और इसमें कितनी बात की, कितनी बात की रियलिटी है कि कितना गवर्नमेंट फंडिंग करने वाली है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।